सबसे बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर ड्रग्स मामले में एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जया शाह से पूछताछ में एनसीबी के हाथ चैट लगा है। इसमें पता चला है कि जया शाह ने एक अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। 90 के दशक की ये बड़ी अभिनेत्री बताई जा रही है, जिनसे एनसीबी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में समन भेजकर पूछताछ करे। सुशांत के साथ ये काम कर चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री का जया शाह के साथ एक चैट सामने आ रहा है, उसकी क्लिपिंग्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन अपने आप में ये बड़ा मामला है। 90 के दशक की बड़ी अभिनेत्री ये बताई जा रही हैं, जिनके साथ जया शाह ने काफी बातचीत की थी ड्रग्स को लेकर। ये चैट एक दूसरे से किया गया था और अब इस बातचीत के जरिए आगे की पड़ताल को एनसीबी लेकर जाएगी और हो सकता है कि इस पूरे मामले में इस बड़ी अभिनेत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सके। आपको ये चैट हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि इसी में ड्रग्स को लेकर लगातार बातचीत की गई है। जया शाह का एक और अभिनेत्री से चैट सामने आया है, जो आज तक के हाथ लगा है। एनसीबी की पूछताछ में जया शाह ने इस बात का खुलासा किया, सुशांत के साथ ये अभिनेत्री काम कर चुकी है और उनका ये व्हाट्सएप चैट, अभिनेत्री का नाम एस से शुरू होता है, लेकिन हम उस अभिनेत्री का नाम अभी नहीं लेंगे, अभी आपको नहीं बताएंगे जब तक कि एनसीबी की ओर से खुद ऑफिशियली इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जो लगातार एक के बाद एक कई खुलासे देश के सामने कर रहे हैं अपने सोर्सेस के हवाले से। और ये जो चैट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भी अरविंद ने इस बात का खुलासा किया है। अरविंद के पास सीधे हम रुक कर लेते हैं। अरविंद, विस्तार से बताइए इस चैट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। 90 के दशक की ये बड़ी अभिनेत्री हैं, जया शाह के साथ जिनका चैट है और सुशांत के साथ भी इन्होंने फिल्म में काम किया हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, दो व्हाट्सएप चैट है। एक है 90 के दशक की अभिनेत्री जिनका जया से व्हाट्सएप चैट है, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही है, जबकि जो दूसरी अभिनेत्री है जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया है, उनका नाम एस से शुरू होता है, वो व्हाट्सएप चैट पर बात कर रही है सीबीडी ऑयल के बारे में। जबकि 90 के दशक की जो अभिनेत्री है उनका नाम एन से शुरू होता है, वो बात कर रही है एमडीएमए के बारे में। देखिए, आप ये समझिए कि जया शाह से अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। जया शाह कौन है? जया शाह का चैट आया था रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें सुशांत को सीबीडी ऑयल देने की बातचीत चल रही थी। कप में मिला के दे, कॉफी में मिला के दे, आपको चित्रा बहुत अच्छे से याद होगा वो व्हाट्सएप चैट। तो उसी कड़ी के तहत जब जया शाह से पूछताछ कर रही है अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, तो उनके मोबाइल से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उस मोबाइल में जया शाह का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कई बॉलीवुड से जुड़े लोग मौजूद है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में और एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में ये दो चैट्स मिले हैं, जिन चैट्स का मजमून आज तक के पास मौजूद है, जिसमें एक 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनका नाम एन से शुरू होता है, जो जया शाह से एमडीएमए लेने की बात कर रही है, जबकि एक का नाम एस से शुरू होता है, जो सुशांत राजपूत के साथ एक फिल्म में काम कर चुकी है, वो सीबीडी ऑयल के बारे में बात कर रही है। और आखिर में ये भी बोलती है कि मुझे हर हाल में एलएसबी से मिलना है। एलएसबी एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है। तो दरअसल फिलहाल जया शाह से पूछताछ हो रही है, पूछताछ रिया चक्रवर्ती को उस चैट्स को दिखा के हो रही है, पूछताछ बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों से ड्रग्स की बातचीत को चैट्स को दिखा के हो रही है। तो आने वाले दिनों में जया शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी और जया शाह की जब मुश्किलें बढ़ेंगी तो जया शाह 67 जया शाह को लेकर एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इनका व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जिसके बाद इस बारे में जानकारी देश को लगी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ये लोग सप्लाई किया करती थी और इसको लेकर बहुत लंबी फहरिस्त थी, जिसकी जानकारी भी अरविंद आपने दी थी। मैं चाहूंगी कि जया शाह को लेकर एक बार फिर से बताइए कि आखिर जया शाह सुशांत मामले में वो कौन सी कड़ी है जिसके लगातार व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं और हर बार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जया शाह से पूछताछ में आया श्रद्धा कपूर का नाम, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने, आपको बता दें, सुशांत सिंह के साथ फिल्म में काम भी किया था, उनकी फिल्म काफी ज्यादा हिट भी रही थी और अब जया शाह से पूछताछ में श्रद्धा कपूर को लेकर मैं पहले चाहूंगी अरविंद हमारे दर्शकों को जानकारी दे, पूछताछ में जया शाह ने श्रद्धा कपूर का नाम लिया है। जी बिल्कुल, देखिए नाम लिया है और व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। नंबर एक, नंबर दो, आज तक ने सबसे पहले खुलासा किया था पावना डैम में, उस जाकर जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी और वहां पर जो एक बोटमैन था उसका स्टेटमेंट दिया था,
बोटमैन के वो स्टेटमेंट आज तक के पास मौजूद है चित्रा, मैं बताऊंगा आपको। और उस स्टेटमेंट में बकायदा बोटमैन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स के सामने कहा कि इस फार्म हाउस पर और यहाँ जो आइलैंड है उस पर 4 से 5 बार सारा अली खान सुशांत के साथ आ चुकी है, रिया चक्रवर्ती आ चुकी है, श्रद्धा कपूर आ चुकी है। और बोटमैन ने यह कहा कि सुशांत का स्टाफ भी आता था, आइलैंड पर पार्टी होती थी और कई बार ड्रग्स का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और ग्राउंड तैयार किया। लेकिन जैसा के मोबाइल से कई अभिनेत्रियों के व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर का भी एक व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें वो जया शाह से सीबीडी ऑयल को लेकर बातचीत कर रही हैं। उसके अलावा 90 के दशक की एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम एन से शुरू होता है उसको लेकर वो लगातार बातचीत कर रही है। और मैं बताऊं चार जो लोग हैं जिनको इसी हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया जाना, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत सिंह है। इन सभी को इसी हफ्ते पूछताछ की जाएगी, इनसे कभी भी संबंध भेजा जा सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। लेकिन श्रद्धा कपूर का व्हाट्सएप चैट मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और उसमें सीबीडी ऑयल को लेकर बातचीत हो रही है। जहां तक आपने पूछा जया शाह का, देखिए दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जया शाह को लेकर जो सीबीआई ने खुलासा नहीं किया था, जो ईडी ने खुलासा नहीं किया था, वो खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। दरअसल सुशांत केस में जब ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तो उनको एक व्हाट्सएप चैट मिला था जिसमें जया शाह रिया चक्रवर्ती से बातचीत करती दिखाई दे रही थी कि सुशांत को सीबीडी ऑयल कप में, चाय में और कॉफी में मिलाकर दिया जाए। जिसके बाद पूछताछ भी हुई रिया चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि थकान दूर करने के लिए और तमाम चीजों के लिए जा रहे थे। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि सीबीडी ऑयल उनकी जानकारी के मुताबिक इल्लीगल है। तो ऐसे में जया शाह एक बड़ा किरदार के तौर पर सामने आ रही है, सबसे बड़ा किरदार वो कि बॉलीवुड के कई लोगों से उनके कनेक्शन है और उनको लगातार सिर्फ रिया चक्रवर्ती से वो ड्रग्स को लेकर नहीं बातचीत कर रही थी, अब तो एक के बाद एक चैट आ गए कि बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों से वो संपर्क में है। यानी एक बड़ा किरदार जया शाह का वो सामने आ रहा है। जया शाह ने जिन फिल्म अभिनेत्रियों के नाम अब तक लिए हैं उनमें से कई, देखिए छिछोरे फिल्म में काम किया था श्रद्धा कपूर ने उनके साथ और हम सब ने देखा था कि सुशांत के रहस्यमय मौत के बाद किस तरह से उन्होंने दुख जाहिर किया था, उनके पिता की ओर से भी दुख जाहिर किया गया था। अब ड्रग्स के मामले में श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है, अपने आप में आप यकीनन ऐसे भी समन जारी करके पूछताछ करेगी। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हर रोज इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं जिसकी जानकारी ग्राउंड जीरो से अरविंद ओझा हमारे संवाददाता आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।